एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा में फायरिंग हुई है। लड़की ने एक महिला को गोली मारी। महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और आरोपी लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके की एक घटना जहां पर पुराने विवाद में गोली मारने का ये आरोप है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दरअसल ये फायरिंग हुई है। एक लड़की ने एक महिला को गोली मार दी। दरअसल बताया जा रहा है कि ये घटना पुराने विवाद की वजह से जन्मी। कोई पुराना विवाद था जिस वजह से आरोपी लड़की ने दरअसल दूसरी लड़की को गोली मार दी। हालांकि विवाद क्या था अभी फिलहाल ये पता लगाने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया इस पूरे मामले में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी लड़की को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भजनपुरा थाने की ये घटना बताई जा रही है जहां पर फायरिंग हुई है। लड़की ने एक महिला को गोली मार दी। दिन दहाड़े ये गोली मारी गई जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। पुलिस की तरफ से आगे की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर वजह क्या है, लेकिन फिलहाल कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है जिसमें गोली मारने का आरोप लगा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्बादी देखी जा रही है। इसी बीच शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर नांद सरस्वती भी जोशीमठ पहुंच गए। वो आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर नांद सरस्वती ज्योतिष पीठ के जगत गुरु हैं। पीड़ितों से मुलाकात शंकराचार्य की तरफ से की जा सकती है। आज वो पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। कल दरअसल जोशीमठ पहुंचे। जिस तरीके से जोशीमठ में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं, जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है, जिस वजह से वहां के लोग बेहद परेशान हैं। तो जोशीमठ में पड़ रही दरारों और जमीन के नीचे से निकलते हुए पानी की वजह से आपदा जैसे हालात हैं। न्यूज 18 की टीम लगातार कवरेज कर रही है। इसी दौरान जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के संरक्षक अतुल सती से हमारे सहयोगी अंकिता दुबे ने खास बातचीत की। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो आपदा आई है, जो दरारें आ रही हैं, उनका कारण क्या है। अभी तो जो भूवैज्ञानिकों का कहना है और जो हमारी आशंका है और जिस पर हम लोग पिछले 18-19 साल से बोल रहे हैं कि जो यहाँ जोशीमठ के नीचे से तपोवन विष्णुघाट परियोजना की जो सुरंग है, जिसको कि NTPC कंपनी बना रही है, वही सुरंग जो है इस आपदा का मुख्य कारण है। उसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग हैं पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कभी इस तरह का भूधसाव देखने को नहीं मिला। तो जोशीमठ में धसती हुई धरती और दरकती दीवारों के बीच लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। इन लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया। पूरे जोशीमठ में 8 राहत शिविर बनाए गए हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंहधार में बनाए गए राहत शिविर से न्यूज 18 संवाददाता अंकिता दुबे की यह रिपोर्ट देखिए।